25 अगस्त को पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष व पूर्व सीएम रहे बीपी मंडल की जयंती धूमधाम से बस स्टैंड परिसर में चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक सिंह शाक्य ने कहा कि बीपी मंडल द्वारा तैयार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए काफी समय बीतने के बाद भी आरक्षण के परिधि में आने वाले पिछड़ों को शैक्षणिक व सरकारी सेवाओं में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक इशरत अली ने कहा कि उन्हें पिछड़ा वर्ग के नायक के तौर पर याद किया जाता है। कहा कि बीपी मंडल जिन्हें समाज की कुरीतियों को दूर करने में अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अभी भी मंडल आयोग की अनुशंसा पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। ऐसी महान विभूति का समाज के सभी वर्गों में समादर है। शिक्षक इमरान जावेद ने कहा कि बीपी मंडल हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, इस कारण से उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। आपने जो कार्यक्रम रखा है, ये किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज आदरणीय बीपी मंडल जी की जयंती है, जो कि हमारे और हमारे भारत वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने बीपी मंडल नाम से एक कमीशन गठित हुआ था, जिसकी सिफारिश 1980 में पारित की गई थी, जिसके तहत सरकारी नौकरियों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी 27% आरक्षण के लिए बैकवर्ड के लिए इन्होंने मंजूर करवाया था, जिनके उपलक्ष्य में हमने याद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद आप मुख्यमंत्री के पद तक गए, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और उस पद को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया कि पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को, शोषित लोगों का हम उत्थान कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आपने इस कमीशन में काफ़ी मेहनत की, जिसकी सिफारिशों से आज हम 27% जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है, ये आपके कमीशन की ही देन थी।